नागिनी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई है। उसका पर्दा जो फाश हो गया है वो भी किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसके प्यार ने। रानी की लक्ष्य ने रागिनी की सच्चाई सबके सामने लाई है। हमें ऐसा लगता है कि अगर लक्ष्य को कुछ होगा तो लक्ष्य के साथ बुरा होते हुए देखकर रागिनी के मुंह से सब सच निकल जाएगा। तो आई थिंक हमने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। लक्ष्य को मरते हुए देखकर रागिनी ने गुस्से में उसी फ्रस्ट्रेशन में सब कुछ बोल दिया। सो यस, सच आखिर सामने आ गया। लक्ष्य, स्वरा और संस्कार ने मिलकर ही तो ये प्लान किया था कि लक्ष्य पर अगर हमला होगा तो उसकी रागिनी अपने आप सारी सच्चाई कबूल लेगी। और उनका ये प्लान बखूबी कामयाब हुआ और सारे परिवार ने भी इसका नजारा देख लिया। बेसिकली यही हो जाता है कि जब लक्ष्य को मरते हुए देखती हूँ तो जिसके लिए ये सब किया उसी को खो दिया, तो उसमें सब कुछ बोल दिया, तो सब अब खत्म हो गया है। सब जो है वो सबके सामने अब दिल और दिमाग दोनों पर से भार उतर गया है। रागिनी देख लिया ना, झूठ चाहे कितना भी बोल लो उसकी उम्र छोटी ही होती है, क्योंकि सच हर अंधेरे को पार कर एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। और जब सच के साथ स्वरा जैसे डिटेक्टिव हो तो उसको सामने आने से कौन रोक सकता है भला। अब दिमाग में अभी तो मतलब जो जो मैं करती आ रही हूँ तभी शायद मैंने बहुत ज्यादा दिमाग चलाया था। अब क्योंकि सारा जो खेल है जो भी मैंने किया था सब सबके सामने आ गया, अब तो दिमाग एकदम सुन हो गया। अभी समझ नहीं आ रहा कि क्या सोचे, क्या करे, क्या नहीं। रागिनी, अब इतनी सारी ड्रामे के बाद थोड़ा सा संभल जाइए और अपनी जिद को यहीं छोड़ दीजिए और एक अच्छी और नई शुरुआत कीजिए अपने लक्ष्य को पाने की। क्योंकि सच्चाई के बाद लक्ष्य का आपसे प्यार करना तो दूर, आपको वो देख भी ले तो आप पर बड़ी मेहरबानी होगी। तो सुधर जाइए और एक नई कोशिश कीजिए लक्ष्य को अपना बनाने की। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।